नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। दिस इज द वेलोसिटी ट्राइंगल्स इन केस ऑफ मूविंग प्लेट। यानी कि काफी स्टूडेंट्स का यानी कि कमेंट्स आते हैं कि सर ये वेलोसिटी ट्राइंगल्स क्या है, ये जरूर समझाइएगा। तो आज मैं इसी टॉपिक के साथ आया हूँ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट क्या, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर मत भूलिएगा। तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहा हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको इसी चैप्टर के यानी कि जो टॉपिक है दिस इज फ्रॉम इंपैक्ट ऑफ जेट्स, ठीक है, तो इसी चैप्टर के दूसरे भी वीडियोस यानी कि दूसरे टॉपिक पे भी वीडियोस मिल जाएंगे। और साथ में सपोज अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं देन हीट ट्रांसफर के कुछ वीडियोस मिलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के कुछ वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल केमिकल से कुछ वीडियोस हैं, 11th 12th केमिस्ट्री फिजिक्स के वीडियोस अगर आप चाहते हैं या आपके फ्रेंड रिलेटिव्स हैं उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ट्राइंगल्स इन मूविंग कर्व प्लेट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मूविंग कर्व प्लेट बनाऊंगा, ठीक है। उसमें हम समझेंगे, देखिए वेलोसिटी ट्राइंगल्स क्या है, इनलेट पे भी होता है आउटलेट पे भी होता है, इसमें जेट है, रिलेटिव वेलोसिटी है, अब इसकी खुद की वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तो ये सारी चीजें क्यों प्लेस की गई हैं, क्यों वेलोसिटी ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। फोर्स के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे कि कितनी फोर्स एग्जर्ट की जाती है जेड द्वारा, ठीक है, ऑन अ मूविंग कर्व प्लेट। एक्चुअली ये जो एग्जांपल लिया गया है कि टेंजेंशियली जेट स्ट्राइक कर रहा है आपके मूविंग कर्व प्लेट को, तो कितनी फोर्स एग्जर्ट की जाती है वेन्स के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल हम बना देते हैं हमारा मूविंग कर्व प्लेट, ओके। अब इसमें दो केस आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, एक होता है अनसिमेट्रिकल प्लेट और एक होता है सिमेट्रिकल प्लेट, ठीक है, ओके। तो वो भी देखेंगे क्यों सिमेट्रिकल और क्यों अनसिमेट्रिकल प्लेट कहा जाता है, ठीक है, ओके। तो ये है हमारी मूविंग प्लेट, क्लियर हो गया, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, ओके, मान लेते हैं कि ये जो मूविंग प्लेट है हमारी, सॉलिड मूविंग प्लेट है, ये मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है, ओके। अब इसको टेंजेंशियली स्ट्राइक किया जा रहा है एक जेट द्वारा जिसकी खुद की एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अभी एक काम करता हूं, यहां से एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, ये हो गया हमारा इनलेट पे, ठीक है, ये काफी बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसे छोटा बना दूंगा तो ठीक रहेगा, ठीक है, इतना भी छोटा नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो एक जेट है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर, ये है हमारा जेट, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि रिलेटिव वेलोसिटी किसको बोलते हैं, कैसे लिखना है, कहां प्लेस करना है ट्राइंगल में, ओके। तो दिस इज ये जेट है हमारा, ठीक है, ओके, तो ये जेट हमारा निकल रहा है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, ओके, ओके, तो ये है हमारा जेट, ओके। अब देखिए ये जो जेट है मतलब क्या बोलते हैं, नोजल है, एक पाइपलाइन है, आगे नोजल लगा हुआ है, ओके। तो यहां से एक जेट निकल रहा है जिसका कुछ सर्टेन डाया होगा और ये जेट मूव कर रहा है विद एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी वन, ठीक है, ये क्या है, ये जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी कि ओरिजिनल वेलोसिटी, क्लियर हो गया, ओके। देखिए अब यहां पर हर एक चीज के बारे में हम एक धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू, अब देखिए आपका ये जो मूविंग प्लेट है ये हॉरिजॉन्टली एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, मगर ये जो जेट है ये स्ट्राइक कर रहा है जेट ऑफ वाटर टेंजेंशियली, ठीक है, कुछ एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, आइदर आप विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बोल दीजिए या फिर बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपका ये मूविंग प्लेट जा रही है उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक काम करता हूं तो मैं यहां पर ऐसे कर देता हूं, ठीक है, तो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी प्लेट जा रही है उसके रिस्पेक्ट में ये एंगल बनता है और इस एंगल को बोलेंगे अल्फा, क्या बोलेंगे, अल्फा, क्लियर हो गया, ओके। अब मैं जो कलर से है मैं बाकी चीजें बताऊंगा आपको ताकि काफी इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें डायरेक्शन भी बहुत मायने रखती है, ठीक है, ओके, ये अब इसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है दिस इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी देखिए आपने देखा होगा जब भी कोई फोर्स होती है आइदर वो आइदर ऐसे एक्ट करेगी या फिर ऐसे एक्ट करेगी या फिर ऊपर एक्ट करेगी या फिर नीचे एक्ट करेगी। कभी आपने देखा है कोई फोर्स टेढ़ी एक्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू सम एंगल, तो हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, वैसा ही यहां पर भी है। ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है एक्चुअली जेट की, ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ओरिजिनल वेलोसिटी। अब ये टेढ़ी है, समझ लेते कि अपना अपना तरीका होता है अंडरस्टैंडिंग का, ये टेढ़ी है तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक जो कंपोनेंट है, देखिए एक जो कंपोनेंट है ये कितना एंगल बना रही है, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, ये अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है, ओके। अब इसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूंगा, सपोज जैसे आपको मालूम है एक फोर्स होती है वो कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो आप इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते, एक होती है इस डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर, तो वैसा ही सेम केस है यहां पर भी,
मतलब देखिए, एक ऊपर जाने वाला केस और ये एक नीचे जाने वाला केस। तो ये जो ये वाला केस है, यानी कि V1 का वो वाला कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी ये मूविंग प्लेट जा रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में विद, मतलब समझ में आ रहा है क्या है? तो ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये वाला V1 का वो वाला कंपोनेंट, यानी कि ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और पहला कंपोनेंट क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका मूविंग प्लेट जा रही है उस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट रहेगा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, ओके। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा किसका, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी प्लेट जा रही है ये मूविंग प्लेट, उससे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए यहां पे, ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है, देखिए इस मेन एब्सोल्यूट वेलोसिटी को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया हमारा VW1 जिसको बोलते हैं VW1, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट था हमारा कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कौन से, जिस डायरेक्शन में आपका ये क्या बोलते हैं मूविंग प्लेट है, क्लियर हो गया, ओके। अब इसका भी जो मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मैं इसी डायरेक्शन में रखूंगा, ठीक है। रेड कलर आपको डायरेक्शंस बताएगी, ठीक है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं ये जो VW1 एक्चुअली में ये VW1 है, क्या है VW1, मैंने थोड़ा सा नीचे बताया है, ठीक है, ओके। तो ये जो कंपोनेंट है ये इसी का पार्ट है, आगे बात समझ पाए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम ही होगी क्योंकि ये इसी से डेराइव हुआ हुआ है, ओके। दूसरा कंपोनेंट जो मैंने बोला वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, किसके, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, किसके रेस्पेक्ट में, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट। तो ये ऊपर की तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन में यहां पे लिख दूंगा VF1। और मैं 1 क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका जो मूविंग प्लेट है, ठीक है, इसकी टिप को टेंजेंशियली ये क्या बोल रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, क्लियर हो गया, टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है और इनलेट पे है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सपोज एक सेक्शन 1 कंसिडर कर लीजिए, तो यहां पर जो भी मैं वैल्यूज असाइन करूंगा VF1, V1, VW1, ये सारी इनलेट पे हैं, तो ये दिस इज द वेलोसिटी ट्राइंगल एट इनलेट, क्लियर हो गया, ओके। तो चलिए मैं इसको भी डायरेक्शन दे देता हूं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर हो गया, ओके। अब एक चीज तो क्लियर हो ही जाती है, वो क्या है कि आप देख रहे होंगे ये भी इसी का कंपोनेंट है, ये भी इसी का कंपोनेंट है। अगर सपोज मेरे को VF1 निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा भाई, आप देखिए कि इस ट्राइंगल में सपोज इसको नाम दे देता हूं, नाम वही दूंगा जो मैंने यहां पे दिया है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी, क्लियर हो गया, ओके। इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, VF1 अल्फा, सपोज अल्फा के ऑपोजिट जो भी साइड होती है वो होती है, यानी कि AD आपकी साइड है जो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है VF1। VF को बोलेंगे हमारा फ्लो कंपोनेंट, क्या है एक्चुअली ये कंपोनेंट V1 का है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, इसको बोलेंगे हमारा वर्ल कंपोनेंट, ये भी इसी का कंपोनेंट है V1 का, ठीक है, ओके। दूसरी चीज अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सपोज आप VF1 अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD, ओके, अल्फा के अपोजिट कौन सी साइड है, AD है, AD रिप्रेजेंट करने वाला VF1 है, तो ये इस हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ठीक है। मान लीजिए आपको V1 मालूम है, VW1 नहीं मालूम है, तो मैं कैसे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा जो मेरे को VF1 और VN में रिलेशन दे दे, वो सिर्फ साइन थीटा है। सो VF1 अगर मुझे चाहिए, सपोज दिस इज क्वेश्चन मार्क, तो मैं लूंगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन है भाई, VF1 है, हाइपोटेन्यूज कौन है, V1 है, ओके। तो मुझे क्या चाहिए था फाइनली, मैंने क्या बोला था, हमें VF1 ढूंढना है, तो दैट विल बी V1 साइन थीटा, क्लियर हो गया, चलिए ये भी हो गया, ओके। सपोज अगर आपको VF1 नहीं मालूम है, VW1 चाहिए और सिर्फ आपको क्या मालूम है, V1, तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपका VW1 और V1 में रिलेशन दे, ऐसा सिर्फ कॉस थीटा है, तो कहने का मतलब है, फिलहाल मैं ये एरोज मिटा देता हूं क्योंकि वो मैंने एक्चुअल में दिखा दिए, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको, तो उसी ट्राइंगल में मैं कॉस थीटा ले लूंगा, ठीक है, कॉस थीटा ले लूंगा, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD, क्लियर, ओके। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस, बेस क्या है हमारा, दिस इज VW1, ठीक है, ओके। हाइपोटेन्यूज क्या है, V1, तो हमें क्या चाहिए था, हमें फाइनली हमें चाहिए था VW1, तो दैट इज V1 कॉस थीटा, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। अब बारी आती है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट जो मैं निकालने वाला हूं अभी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट की रिलेटिव वेलोसिटी जिसे वो स्ट्राइक करने वाला है, क्योंकि यहां पर आपका जेट भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आपकी जो ये है क्या बोलते हैं मूविंग प्लेट है वो भी यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि दो चीजें मूव कर रही, एक ऐसे और एक टेढ़े डायरेक्शन में, मगर हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें देखिए
एक्चुअली इसकी वेलोसिटी क्या है, वी वन, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जेट की। तो एक्चुअली में जिस डायरेक्शन में आपकी मूविंग प्लेट जा रही है उसी डायरेक्शन में हमें वी वन का भी कंपोनेंट चाहिए होगा ताकि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकें। आई होप आपको समझा होगा, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए वी वन को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, एक हो गया हमारा वर्ल कंपोनेंट, एक हो गया हमारा ये क्या बोलते हैं हमारा फ्लो कंपोनेंट। तो देखिए जिस डायरेक्शन में आपकी प्लेट जा रही है वो यू मीटर पर सेकेंड है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो वी वन का वो कौन सा कंपोनेंट है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में ही है, जिस डायरेक्शन में आपका ये मूविंग प्लेट जा रही है वो कौन सी है? ये डब्ल्यू वी डब्ल्यू वन तो है नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये वाला वो कंपोनेंट है वी डब्ल्यू वन। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो हम वी वन ना लेते हुए हम वी डब्ल्यू वन लेंगे जो कंपोनेंट है इसी एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। तो हम क्या करेंगे फिर यहां पे, सिंपली इसको मैं मिटा देता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अब आप देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज दो ट्रेनें हैं, ओके, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ए ट्रेन और बी ट्रेन, ओके, ये है इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या करते हैं, कहने का मतलब है हम ए को स्टेशनरी कर देते हैं और ए को स्टेशनरी रखते हुए बी की क्या वेलोसिटी होगी वो कहलाती है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। वो कैसे निकालेंगे, सिंपल वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो क्या होगा, वी बी क्या है 30 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वैसा तो दो, वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ट्रेन मूव कर रही है, मगर अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी बोलनी है तो कहने का मतलब है कि अगर ए ट्रेन की वेलोसिटी जीरो है तो इसके रिस्पेक्ट में बी की जो वेलोसिटी है यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी वो 20 किलोमीटर पर आवर है, वैसा ही इसमें भी है, ठीक है। तो चलिए इस केस में समझ लेते हैं। अब आपको मैंने बोला ही है कि जिस डायरेक्शन में आपकी ये प्लेट मूव कर रही है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आपको भी देखिए यू तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्योंकि टेढ़ी है, क्योंकि जेट आपका टेढ़ा स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका ही वो वाला कंपोनेंट लेना है जो कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका प्लेट मूव कर रहा है वो वाला कंपोनेंट ये है ना कि ये है। तो वी डब्ल्यू वन है, तो कहने का मतलब है यू भी इस डायरेक्शन में है और आपका ये वी डब्ल्यू वन भी यहीं पर है, क्लियर हो गया, ओके। अब हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। एक चीज और याद रखिएगा, इनलेट पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मतलब इनलेट कंडीशन पे जहां पर हमारा ये जेट स्ट्राइक कर रहा है किसकी, आपकी मूविंग प्लेट की टिप को टेंजेंशियली, तो V1 हमेशा बड़ा ही होगा रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक है, इनलेट पे। यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट कंडीशन, मगर आउटलेट कंडीशंस में ऐसा नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें अगर रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए जेट की किसके रेस्पेक्ट में, प्लेट के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट, एक काम करता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट VR मतलब रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, जेट की, किसके रेस्पेक्ट में, प्लेट के रेस्पेक्ट में, मूविंग प्लेट के रेस्पेक्ट में। तो कैसे लिखा जा सकता है, ओके, तो क्या करेंगे हम, दिस इज VW1, क्लियर हो गया, क्योंकि ये वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी इस मूविंग प्लेट से, ठीक है। तो दैट विल बी VW1 माइनस, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसकी वेलोसिटी कम है, तो VW1 माइनस U। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वैसे ही इस वेलोसिटी ट्राइंगल में ये, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए समझ में आ रहा है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये आई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी VW1 माइनस U। तो इस वेलोसिटी ट्रायंगल में हम कहां पे दिखाने वाले हैं, एक्चुअली में ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये आपका एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट है जो भी किस डायरेक्शन में है, वो भी जिस डायरेक्शन में आपकी प्लेट मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब है, अब देखिए आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी, अगर हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी टेढ़ी है तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी भी टेढ़ी होनी चाहिए, क्लियर हो गया, मगर ये रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू नहीं होगी। एक काम करूंगा, इसको मैं एक अलग कलर से बताऊंगा आपको, दिस इज दूसरे कलर से बताऊंगा, ठीक है, ये जो होगा यहां पर लिखूंगा वी आर वन, क्लियर हो गया, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी ऊपर की साइड ही होगी, क्लियर हो गया, मगर ये जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, समझ में आ रहा है, VW1 माइनस U, ये वेलोसिटी ट्रायंगल्स में हम कहां दिखाने वाले हैं, कहां दिखाने वाले हैं वो, एक्चुअली ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आई है हमारी स्ट्राइकिंग जेट की विद रिस्पेक्ट टू मूविंग प्लेट, ठीक है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही होगी और वहां पर वो ये होगी, ये सपोज इसको नाम दे देता हूं, सपोज सी, इसको नाम दिया सी, तो यहां से लेकर यहां तक है ये, तो वी आर जे पी, ये है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी,
आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. ओके, जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा. क्या होगा? थीटा. तो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे जितना एंगल बनाती है विद रिस्पेक्ट टू योर मोशन या फिर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, आउटलेट में भी अगर रिलेटिव वेलोसिटी हमारा उतना ही एंगल बनाती है, आउटलेट पे जो एंगल बनेगा दैट इज फाई. ओके, तो फाई और थीटा अगर सेम होंगे तो दैट मीन्स योर प्लेट इज सिमेट्रिकल. प्लेट क्या हो जाएगी? सिमेट्रिकल. आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. प्लेट यहां पे लिख देता हूं, दैट प्लेट इज सिमेट्रिकल. क्लियर हो गया ये? ओके, तो सिंपली साफ साफ पता चल रहा है. देखिए हमने क्या निकाला था, VW. समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, देखिए ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ये एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मगर ये जो कंपोनेंट है ये इस VR1 का ही कंपोनेंट है. आप देख रहे हैं, देखिए VF1 जो है ये कंपोनेंट आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी का भी है, यही कंपोनेंट आपका VR1 का भी है, ये कॉमन कंपोनेंट है. मगर ये जो कंपोनेंट अभी अभी हमने निकाला, एक्चुअली ये जो कंपोनेंट है हमारा VRJP जो अभी निकाला है, ये कौन से डायरेक्शन में है? दिस इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ योर प्लेट, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी मैंने यहीं पे की है. ओके, VW1 की भी मैं एक काम करूंगा, डायरेक्शन यहीं पे एरो के जरिए बता दूंगा आपको. ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में. ओके, इसको भी मैं यानी कि रेड कलर ही कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ऊपर की तरफ. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. लेट मी चेक कितना मैंने टाइम लिया है बताने के लिए. ये बहुत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफियों को कंफ्यूजन होती है. ठीक है, ओके, तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं, जब तक आप VW1 में से U नहीं माइनस करेंगे, U नहीं माइनस करेंगे, तब तक आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं मिलेगा. रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां दिखाया जाता है. तो डेफिनेटली VW1 में से U माइनस कर रहे हैं, तो ये जो बाकी बचा होगा ये तो आपका U ही होगा ना भाई. What is this? ये U है, यानी कि U1, क्योंकि वन कंडीशन पे, इनलेट कंडीशन पे है. U1 is nothing but इनलेट पे मूविंग प्लेट की वेलोसिटी. तो याद रखिएगा, U जो होगा U1 के बराबर होगा और U2 के भी बराबर होगा. U2 क्या है आपका? देखिए, U क्या है आपका? जिस वेलोसिटी से आपका प्लेट मूव हो रहा है. U1 क्या है? इनलेट पे प्लेट की वेलोसिटी क्या होगी. ओके, आउटलेट पे प्लेट की वेलोसिटी क्या होगी. ये तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. वैसे ही मैं सिंपली यहां पर आउटलेट पे भी बता दूंगा. देखिए वेलोसिटी ट्रायंगल्स कैसे होते हैं. आई होप आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी. ओके, याद रखिएगा, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं ये हमेशा कम होंगे आपके किससे? एब्सोल्यूट वेलोसिटी से. ठीक है, चलिए अब आपका जेट निकल रहा है विद सम एब्सोल्यूट वेलोसिटी. यहां मैं रिलेटिव वेलोसिटी यूज नहीं करने वाला हूं. ठीक है, सपोज ये निकल गया हमारा. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हमने बोला था दैट इज योर, हमारा जेट निकल रहा है, सपोज इफ द वेन इज स्मूथ, ओके, नो लॉसेस आर देयर, देन हमारा जो क्या बोलते हैं जेट है ये आउटलेट पे निकल रहा है विद सम एब्सोल्यूट वेलोसिटी. तो यहां पर है हमारी V1, तो यहां पर हो जाएगी हमारी V2. क्लियर हो गया? ओके, इट्स वेरी इजी. ओके, तो अब आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा. तो डेफिनेटली यहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा बीटा. सपोज अपने से नाम दे सकते हैं आप वैसे, तो दिस इज बीटा. क्लियर हो गया? ओके, हाँ, तो इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो आउटलेट पे ऐसा होगा. क्लियर हो गया? ओके, आउटलेट पे कुछ इस तरह से दिखेगा ये. ओके ओके, और दूसरी चीज आपका देखिए यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट है. ये हो गया हमारा, देखिए जैसा यहां पर ये था, तो जो परपेंडिकुलर जा रहा था दैट इज योर फ्लो कंपोनेंट, और जो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज वर्ल कंपोनेंट. तो वैसे ही मैं यहां पर जो परपेंडिकुलर जा रहा है उसको मैं ऊपर बताऊंगा और यहां पे लिख दूंगा VF2. क्लियर हो गया? ओके, सिंपली जैसा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया मैंने अलग अलग ट्राइंगल्स में, वैसे आप VF2 और VW2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गया? ओके, दूसरी चीज, अब आपका जेट ऐसे जा रहा है. क्लियर हो गया? तो अगर आपको परपेंडिकुलर, मतलब कि इनके दोनों कंपोनेंट भी निकालने पड़ेंगे, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये डेफिनेटली इसी साइड जाएगा, तो इसका एरो किस साइड होगा? एक काम कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं VW2. ओके, ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो डेफिनेटली पीछे ही होगा इस साइड पर. ठीक है, क्योंकि जेट आपका इस साइड निकलेगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो दो कंपोनेंट एक ऐसे जाएगा और एक ऊपर जाएगा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, अब मैं इसका ये भी मेंशन कर देता हूं कहां से कहां तक, यहां से यहां तक. ठीक है, ओके, अब आती है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी की बारी. तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, अगर ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपकी जेट की टेढ़ी है तो डेफिनेटली आपका क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट भी ऐसे ही आएगा. ओके, अब ये बड़ा क्यों है, इसमें भी मायने रखता है. समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है. सबसे पहले हम ये लिख लेंगे. ओके, इसका जो एरो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, एंड से एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो V2 हो गई है. ओके,
दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो वी आर टू, ओके, ये भी बुकों में दिया हुआ है, दैट इज कि वी आर वन इक्वल टू वी आर टू. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर जब जेट स्ट्राइक करता है आपकी मूविंग प्लेट को और वेन स्मूथ है और कुछ लॉसेस नहीं होते तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं वो दोनों सेम रहेंगी, ठीक है, ओके. अब मैं बोल रहा था कि ये जो एंगल, देखिए जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करता है इस मूविंग प्लेट को वो एंगल बनाता है थीटा, ठीक है, ओके. अब उसी रिलेटिव वेलोसिटी से, मतलब वो उसी रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि वी आर वन वी आर टू सेम है, कोई लॉसेस नहीं हो रहे, वेन स्मूथ है, ठीक है, तो जो भी वो एंगल बनाती है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल या फिर जिस डायरेक्शन में आपकी प्लेट चल रही है वो क्या हो जाएगा, दिस इज फाई, क्या हो जाएगा, दिस इज फाई एंगल, ओके. ये भी चीज क्लियर हो गई, ओके. दूसरी चीज, अब आते हैं हमारी रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट. मैं ये चीज एक वापस रिपीट कर रहा था कि यहां पर जो भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो एक पार्ट होगा VW1 का, क्लियर हो गया, ओके. इनलेट पे ऐसा होता है मगर आउटलेट पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है. लॉजिक क्या है हमारा, सपोज अगर मुझे क्या बोलते हैं, ओके, हाँ, इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो छोटा सा कंपोनेंट है ये हमारा U2 है और इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो मैं बता देता हूं आपको, वो जिस डायरेक्शन में आपका, क्योंकि U2 क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्या बोलते हैं, आउटलेट पे आपका मूविंग प्लेट की वेलोसिटी, तो वो किस डायरेक्शन में रहेगी, वो आपके इस डायरेक्शन में उल्टे डायरेक्शन में रहेगी, क्लियर हो गया, ओके. अब मैं ये बता रहा था आपको कि आउटलेट पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये जितनी बड़ी मैं यहां पे बता रहा हूं, दैट मीन्स दिस इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब अगर मैं सिंपली लिख दूं तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट, कहां पे, एट आउटलेट, पहले इनलेट पे बताया था मैंने, अब आउटलेट पे वो कितनी होगी, दिस इज U2 प्लस VW2, क्लियर हो गया, ओके. और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की साइड होगी, मतलब इस साइड होगी, हो गया क्लियर, ओके. अब ये कैसे है वो भी देख लेते हैं, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर ये समझ लिया तो इट्स वेरी वेरी इजी. हाँ, इसमें काफी सारी चीजें ऐसे भी होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. सबसे पहले ये देख लेते हैं ये आया कैसे, ठीक है, ओके. अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपका जो, हाँ, V2 क्या है, आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी जेट की जिससे वो बाहर निकल रहा है, ओके. और याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल या फिर बोल सकते हैं मूविंग प्लेट, ये कुछ एंगल भी बनाता है, क्या बनाता है, ये एंगल भी बनाता है, ये एंगल बनाता है, बुकों में दिया रहता है ये, ठीक है, ओके. ये कम ज्यादा हो सकता है एंगल, उसी हिसाब से आपकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है. चलिए अब हम देखेंगे ये रिलेटिव वेलोसिटी आई कैसे इतनी बड़ी, ठीक है, तो यहां पर लिख दूंगा वी, दिस इज आर जे ओ, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी है जेट की विद रिस्पेक्ट टू मींस आउटलेट पे, इसलिए ओ लिखा हुआ है. वहां पर मैंने क्या लिखा था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, बट ये इनलेट पे है, मैं आई भी लिख दूंगा, वहां पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये आउटलेट पे था, ये इनलेट पे था, फिलहाल ये कंपोनेंट था आपका एक बड़े कंपोनेंट का, ये कंपोनेंट किसका है, दैट इज वी1 का, मगर यहां पर ये जो कंपोनेंट है वी आर जे, ये इस वी आर टू का है, क्लियर हो गया. और बना किससे, ये एक तो आपकी क्या बोलते हैं मूविंग प्लेट की वेलोसिटी आउटलेट पे, और ये जो कंपोनेंट है VW2 से बना हुआ है, ये कंपोनेंट किसका है, ये आपके एब्सोल्यूट वेलोसिटी का है, ओके. अब आप देखिए VW2 की जो डायरेक्शन है वो उल्टी साइड पे है, VW2, क्लियर हो गया, ओके. मगर आपकी प्लेट आउटलेट पे जो प्लेट की वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपकी प्लेट मूव कर रही है, ठीक है, तो दिस इज U2, क्लियर हो गया, ओके. तो अगर आप देखेंगे, अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है जेट की आउटलेट पे, वो कैसे लिखेंगे, देखिए जिस सपोज मान लीजिए, अब फिलहाल तो ये VW2 उल्टी डायरेक्शन में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये इस डायरेक्शन में होता तो हम कैसे लिखते थे, U2, मान लीजिए ये U2 वेलोसिटी ज्यादा है इससे, ठीक है, फिलहाल ये वाली डायरेक्शन मत कंसिडर कीजिए, ये वाली कीजिए, ओके, तो U2 माइनस VW2 लिखते थे, ओके. मगर ऐसा नहीं है, ये उल्टी डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में तो है नहीं है, तो एक काम करेंगे, U2 तो हमने लिख दिया, माइनस साइन फॉर्मूले का है, मगर ये उल्टी डायरेक्शन की वजह से हम यहां पर नेगेटिव साइन असाइन कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देयरफॉर U2 प्लस VW2. तो इसलिए बोल रहा था आउटलेट पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है आपके जेट की, स्ट्राइकिंग जेट की विद रिस्पेक्ट टू मूविंग प्लेट, वो ज्यादा होगी आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के कंपोनेंट से, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट भी इसी में पार्टिसिपेट करने वाला है. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. फिलहाल देखिए, अब V2 जो है वो कुछ एंगल से बाहर निकलता है, कभी कभी क्या होता है, ये भी चीज बता देता हूं कि कभी कभी ये बीटा जो होता है, मतलब देखिए
क्या बोलते हैं, फिर इसमें फर्दर भी सारी चीजें, वैसे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फर्दर है। तो मेरा आज का जो मेन मोटो था यानी कि वीडियो लेके आने का, वेलोसिटी ट्रायंगल समझाने का, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू रेट कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।